अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने वाले हैं। ये काफी सिंपल है। हम लोग यहाँ पे strlen इस फंक्शन का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी #include stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी #include स्ट्रिंग डॉट एच। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, और जैसे ही हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ कैरेक्टर एरे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी str, और जस्ट यहाँ पे मैं इसे एक वैल्यू दे देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दिया ज्ञानी पंडित, और हम लोगों ने स्टेटमेंट को एंड किया सेमी कोलन से। यहाँ पे आप लोग यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जस्ट मुझे यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूँगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज %d कॉमा strlen, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे str, और हम लोग इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमी कोलन से। तो इसके बाद हम मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिटर्न 0। तो अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे सेव करूंगी और F9 प्रेस करके इसे एग्जीक्यूट करूंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो आ रही है 11। हम लोगों ने यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी थी ज्ञानी पंडित, तो उसमें जो टोटल कैरेक्टर्स है वो 11 है। मतलब क्या हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 11 है। तो इस तरह आप लोग strlen इस फंक्शन का यूज करके इजीली किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है, चाहो तो आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।